नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ खिड़किया घाट पर चल रहे विकास कार्यों का वीडियो। और दोस्तों, खिड़किया घाट पर वाराणसी स्मार्ट योजना के तहत यहाँ पर ओपन एयर थिएटर, ओपन एयर रेस्ट्रो और पूजा के दौरान विसर्जित होने वाले मूर्तियों के लिए कुंड भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा नाव के लिए सीएनजी स्टेशन और चिल्ड्रेंस पार्क व वॉकवे का निर्माण हो रहा है। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ी से कार्य चल रहा है, तो आपको उसी का आज मैं नज़ारा आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसका निर्माण कार्य NBCC द्वारा किया जा रहा है। NBCC गेबियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रही है, जिसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं होगा। और दोस्तों, यह सामने देख रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, वाराणसी में गंगा किनारे ओपन एयर थिएटर बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। लगभग 27 करोड़ की लागत से यह थिएटर बनाया जा रहा है। इसमें 200 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। यह थिएटर गंगा पर बने राजघाट पुल, जिसे मालवी पुल भी कहा जाता है, उसी के नीचे खिड़किया घाट से भैंसासुर घाट के बीच बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य आपको मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता दे रहा हूँ, इसका निर्माण कार्य नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा यानी NBCC द्वारा किया जा रहा है। वाराणसी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत गंगा किनारे राजघाट पुल के नीचे इसका निर्माण किया जा रहा है। खिड़किया घाट कच्चा होने की वजह से वाराणसी में आने वाले विदेशी पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को यहां बैठने में असुविधा होती थी और इस घाट पर बहुत कम ही लोग आना पसंद करते थे, जिसको देखते हुए इस प्रोजेक्ट को लाया गया। दिसंबर 2021 तक इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल की तरह इस ओपन थिएटर में भी पत्थरों की सीढ़ियां बन रही हैं और गंगा की तरफ इसके मंच का मुख भी होगा। तो दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे यह जो है, यह CNG स्टेशन का कार्य चल रहा है। दोस्तों, ओपन एयर थिएटर तैयार हो जाने के बाद यहां पर बैठकर लोग गंगा की लहरों व आरती का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक आयोजन के लिए मंच तैयार किया जाएगा, जहां सांस्कृतिक से जुड़े नृत्य कला व संगीत कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक स्टॉल भी बनाए जाएंगे। इन स्टॉलों को पहले से ही मौजूद स्थानीय दुकानदारों को आवंटित किया जा चुका है। दोस्तों, इसी खिड़किया घाट से ही सटा हुआ है लाल खां का मकबरा। लाल खां बनारस के राजा काशी नरेश के सेनापति थे। और दोस्तों, इसी खिड़किया घाट से ही कुछ ही मीटर पर वाराणसी का सबसे पुराना नाला भी है, जिसे शाही नाला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।